हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह के फ्लावर बनाएंगे। ये फ्लावर मैंने प्लास्टिक के रिबन से और साटन के रिबन से बनाया है। इसमें मैंने साटन का वाइट कलर का रिबन यूज़ किया है और प्लास्टिक वाला पिंक कलर का रिबन यूज़ किया है। इस तरह के फ्लावर को बनाने के लिए हम सबसे पहले ड्राफ्ट बनाते हैं। इस तरह का ड्राफ्ट बनाते हैं हम, फिर ड्राफ्ट के ऊपर हम ये फ्लावर बनाते हैं। इन फ्लावरों का यूज़ हम कई तरह से कर सकते हैं। इन फ्लावरों को हम पैकिंग पेपर पे, सॉरी, पैकिंग में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी क्लिप या क्लेचर पे लगा सकते हैं या फिर हम किसी हेयर बैंड पे लगा सकते हैं। तो इन फ्लावर को हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना शुरू करने से पहले, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरे फ्लावर कैसे लगे। चलो हम अभी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर पे हम ये 2 इंच का सर्कल बनाते हैं। अब इस सर्कल को हम काट लेते हैं। ये हम 1 इंच का सर्कल बनाते हैं जिसे हम काट लेते हैं। अभी सर्कल को हम इस तरह डबल फोल्ड करते हैं, फिर वापस से फोल्ड करते हैं इसको, एक बार और फोल्ड करते हैं इसको। अब इसको इस तरह इधर हाफ फोल्ड कर लेते हैं, फिर सेंटर में हमारे निशान बन जाता है। अब इसके ऊपर यहाँ से हम इस 1/2 इंच के ऊपर इसे निशान लगा लेते हैं। 1/2 इंच के ऊपर इसके ऊपर हम निशान लगा, 1/2 इंच पर निशान लगाने के बाद इस वाले से कोई इधर से इस तरह काट देते हैं और इस वाले से कोई इधर इस तरह तिरछा लेके निशान लगा के दोनों तरफ हम काट देते हैं। इस तरह काटने के बाद हम इसे खोलते हैं तो सेंटर में से हम थोड़ा सा इसे कट कर लेते हैं। अब इसे हम खोलते हैं, हमारी इस तरह की शेप बन जाती है। इस शेप को हम किसी भी कार्डबोर्ड पे या किसी भी कार्ड के ऊपर हम इसे ट्रेस कर लेते हैं। इस तरह से रख के हम पेन से ट्रेस कर लेते हैं। इस तरह हमने इसे ट्रेस कर लिया है। अब इसे हम चारों तरफ से काट लेते हैं। इस तरह हमारा ये कट जाता है पीस। अब इस पीस के ऊपर हम नंबर्स डाल लेते हैं। तो पहला नंबर हम यहाँ पर डालते हैं, फिर एक पत्ती को छोड़ के फिर यहाँ पे हम 3 नंबर डालते हैं, फिर एक पत्ती को छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे हम 5 नंबर डालते हैं, फिर अगली को छोड़ के यहाँ पे हम 7 नंबर डालते हैं। इस तरह हमारे ये नंबरिंग डल जाती है। उसके बाद जो हमारा 5 नंबर होता है, तो यहाँ पे ये 2 नंबर होता है, यहाँ पे 3 नंबर है, उसके यहाँ पे 8 नंबर आता है, यहाँ पे 6 आता है और यहाँ पे 4 आता है। इस तरह हम इसकी ये नंबरिंग डालते हैं। 1, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह हम इसकी नंबरिंग डालते हैं। अब नंबरिंग डालने के बाद हम इसमें फ्लावर बनाते हैं। फ्लावर हम 2 तरह के रिबन से बनाएंगे। साटन के वाइट कलर के रिबन से बनाते हैं और एक हम पिंक कलर के प्लास्टिक के रिबन से बनाते हैं। तो पहले हम प्लास्टिक के रिबन से बनाते हैं। प्लास्टिक से रिबन बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पीस को सेंटर वाले छेद में डालते हैं, फिर जो हमारा नंबर 1 है उसके ऊपर इस तरह इसको राउंड करते हैं, फिर हम 1 पे राउंड करने के बाद इसको 2 पे लाते हैं, 2 पे ले जाने के बाद हम इसे 3 पे इस तरह नंबर वाइज हम इसे इस तरह कर लेते हैं उसको। इस तरह हमारी 1 रो कंप्लीट हो जाती है, फिर वापस से हम रो शुरू कर लेते हैं। इस तरह हम इसमें 3 रो कंप्लीट कर लेते हैं।
सेकंड तो कंप्लीट हो गई। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। थर्ड रो कंप्लीट होने के बाद सेंटर में हम इसे स्टेपलर से पिनअप कर देते हैं। इस ऊपर वाले से को हम काट देते हैं। सभी पत्तियों को हम आपस में इसमें से निकाल लेते हैं। सभी में से हम इन पत्तियों को एक एक करके पूरे को खोल लेते हैं। इस तरह हमारा फ्लावर बन के तैयार हो जाता है। इस तरह पीछे से बनता है हमारा। अब हम साटन के रिबन से फूल बनाते हैं। सेंटर में हम रिबन को डालते हैं। फर्स्ट नंबर से हमारे करते हुए हम उसे सेकंड पे लाते हैं। जिस तरह हमने पिंक वाले फ्लावर में किया था उसी तरह हम इस फ्लावर में भी तीन रो बना लेते हैं। इस तरह इसमें भी हमने तीन रो कंप्लीट कर लिए। बीच में से हम इसे स्टेपलर कर लेते हैं। इसमें से हमें सेंटर में हम यहाँ पे पिन अपना करके इस तरह की पिन भी इसमें यहाँ पे डाल सकते हैं। उसको सारे को हम खोल लेते हैं। इस तरह हमारा ये साटन का रिबन का फ्लावर भी कंप्लीट हो जाता है। हमने यहाँ पे सेंटर में पिन डाल रखी है। इसे हम निकाल के कोई मोती भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेंटर में एक मोती लगा देती हूँ। इस तरह मैंने यहाँ पे मोती लगा दी। हम इसमें भी लगा सकते हैं। जिस तरह हमने थ्री रो का फ्लावर कंप्लीट किया है ऊपर इसमें मोती लगा लिया हमने, इसी तरह इस ड्राफ्ट के ऊपर हम फोर रो कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा इस तरह का ये फोर रो का फ्लावर बन जाता है। तो हम थ्री या फोर रो बना के भी ये फ्लावर कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें थ्री रो का बनाना है फोर रो का बनाना है। इस तरह हमारे ये फ्लावर्स बन जाते हैं। ये हमारे साटन का रिबन का बना लिया हमने, और ये हमने प्लास्टिक के रिबन का बना लिया। आपको मेरे फ्लावर अच्छे लगे हो या मेरी वीडियो अच्छे लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।